जब सिकंदर ने रायमा और भीम को तुम्हारे पीछे भेजा तो मैंने उन्हें मैं कतो वश पूरा होने से पहले मैंने तुमसे कोई बात नहीं जब सिकंदर तुम्हें शहर में ढूंढना चाहता था। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। जब सिकंदर काली पहाड़ी के लिए निकला तब मैं उसके डेन में रुक गया था ताकि उसने जो तुम पर वशीकरण किया था उसको मैं कभी कंप्लेन नहीं होता था। उस दिन मैंने वीर और महक को कॉलेज में देख लिया था। मैं जानता था कि तुम लोग ईशा को बचाने के लिए आ रहे हो और इसलिए खून निकालने के बहाने में तुम्हें उस रूम में लेकर गया और वियान को मारने का नाटक किया। उसने जो तुम पर वशीकरण किया उसे तुमने किया। कभी कंपेयर नहीं होता ईशा। उस दिन कॉलेज में मैंने वीर और महक को दूर से देख लिया था और मैं जानता था कि वो तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारा खून निकालने के बहाने में तुम्हें उस रूम में लेकर गया और वियान को मारने का नाटक। मैं जानता था कि उसके हाथ में वो अंगूठी है और उसे कुछ है। चार्ज करो वो इशार पेट पे अजान के मेरे पिता भाई आयशन। जब सिकंदर ने भीम और रायमा को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा तो मैंने उन्हें भटका दिया। मैं का कवच पूरा होने से पहले मैंने तुम सबको यहाँ पर देख लिया था। जब सिकंदर तुम्हें शहर में ढूंढना चाहता था मैंने उन महिष भेड़ियों को जंगल में भेज दिया। सॉरी मैंने और हाँ ये सब कुछ मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया लेकिन उस दौरान कहीं ना कहीं तेज पहुँचा इसके आगे कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। वेल ही इज जस्ट कन्फेसिंग हिज लव और वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चोट जरूर पहुंचाई और तुमसे तुम्हें धोखे में जरूर रखा पर इट वॉज फॉर योर ओन सेफ्टी। सो लेट्स सी कि ईशा उस बात को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है या फिर वीर का एक अलग ही इमोशनल टेक चल रहा है इस पूरे सीन में। सो लेट्स सी कि स्टोरी आगे कहाँ शेप होती है। वेल 13-14 साल का पुराना प्यार है जो आई होप आगे बरकरार रहे आने वाले कई सालों तक एंड जस्ट कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी बिकॉज इट रियली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड इट्स नीडेड एंड थैंक यू सो मच।